मस्तिष्क को साफ रखना, शुद्ध रखना। अगर वह आपका शुद्ध है तो आपको चिंतन करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं। जो सच्चाई है, सत्य है, अपने आप मस्तिष्क में अवतीर्ण होता है। और वह सत्य चिंतन करने वालों के लिए भी आश्चर्य का विषय होता है, वे वहां तक पहुंचे नहीं सकते। और मस्तिष्क पवित्र कब रह सकता है? जब आपका कषाय उपशांत है, इमोशन पर कंट्रोल है, कोई संवेग नियंत्रण है, तब वह पवित्र रह सकता है। जो व्यक्ति बार बार पता नहीं दिन में कितनी बार उत्तेजना करता है, आवेश का प्रयोग करता है, उसका मस्तिष्क तो वह वैसा रह नहीं सकता। मस्तिष्क की अपनी कला है, अपना कार्य है और अपने ढंग से काम करता है। आज प्रातः काल से ही मुझे एक सच्चाई का अनुभव हुआ। सच्चाई तो नई नहीं है, पुरानी है, पर उसका इतना तीव्रता से साक्षात हुआ कि मनुष्य का, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का उत्थान कब होता है और पतन कब होता है। आज तक हजारों हजारों वर्षों में कितने सभ्यताओं का उत्थान हुआ और पतन हो गया, क्यों होता है और कब होता है, इस पर एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि मन व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक, जिसमें कष्ट सहन करने की शक्ति है, जिसमें धैर्य है और सबसे बड़ी बात जिसमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की शक्ति है, उस व्यक्ति का, उस परिवार का, उस सभ्यता का, राष्ट्र का उत्थान होता है। किंतु कठिनाई यह है कि वे क्षमता लंबे समय तक रहती नहीं, क्योंकि जब उत्थान होता है तब वैभव, विलास, भोग ये इतने हावी हो जाते हैं, तो फिर वहां से पतन का क्रम शुरू हो जाता है। रहना बड़ा मुश्किल है। और ये परिवारों को बहुत देखा, एक समय उदय हुआ और बाद में पतन की ओर शुरू हो गया। क्यों? इतनी विलासिता, इतना भोग, इतनी इंद्रियों की उच्छृंखलता आ गई कि वह हो गया। और ऐसा होता है, सुविधावाद इसका कारण बनता है, बड़प्पन भी कारण बनता है,